नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सांगी सीमेंट के बारे में। सांगी इंडस्ट्रीज नाम से स्टॉक लिस्टेड है। सीमेंट की एक कंपनी है जो कि गुजरात बेस्ड कंपनी है और मेनली वेस्टर्न इंडिया में इन लोग का कारोबार है। इनके Q4 के नंबर आ गए हैं, नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं और पिछले दिनों से लगातार मैं आपको बताऊँ तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत ही सस्ता ये सीमेंट स्टॉक आप देख सकते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 58 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है और आज की डेट में स्टॉक 6% की तेज़ी बनाए हुए था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सांगी सीमेंट ने आज 10 जून 2021 को अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं। आउटकम ऑफ दी बोर्ड मीटिंग आप देख सकते हैं, कंपनी ने 3 बजे दोपहर 3 बजे स्टार्ट की थी और अभी 5:55 पर शाम को क्लोज किया है, यानी मार्केट के बाद नंबर्स आए हैं। तो ये देखिए, कंपनी के नंबर्स मैंने ओपन कर लिए हैं। सबसे पहले आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके दिखाऊंगा। दिसंबर 2020 को मार्च 2021 से आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी की टोटल आय आपको बढ़ती हुई दिखेगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम मिला के टोटल इनकम जो कंपनी के 2933 करोड़ की जो माफ़ कीजिएगा 293 करोड़ की जो सारा अमाउंट लाखों में दिया है, 293 करोड़ की जो कंपनी ने आय पिछले क्वार्टर में की थी वो यहाँ बढ़कर आपको 331 करोड़ होते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही एक्सपेंसेस और टैक्सेस निकालने के बाद आपको मैं दिखाऊँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है किया था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़कर आपको 60 करोड़ होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक डेफर्ड टैक्स कंपनी का जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो कंपनी ने इस क्वार्टर में अपनी बुक्स में लिया है, यानी इसको एडजस्ट किया है जो पहले टैक्स भरना कंपनी का बाकी था। तो आफ्टर टैक्स देखेंगे तो रेवेन्यू जो कंपनी की नेट इनकम है आपको हल्की सी गिरती देखने को मिलेगी। 42 करोड़ से आज जो है नेट इनकम इनका गिरकर 26 करोड़ आपको आते हुए दिखेगा, क्योंकि कंपनी 34 करोड़ का जो है डेफर टैक्स इस बार बुक्स में एडजस्ट किया है। लेकिन वही मैं अगर आपको पिछले साल के मार्च 2020 के क्वार्टर से मार्च 2021 के क्वार्टर से कंपेयर करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप आय और अच्छी बढ़त देख सकते हैं। 223 करोड़ की जो आय कंपनी ने पिछले साल मार्च क्वार्टर में की थी वो आपको बढ़कर यहाँ 331 करोड़ की होती हुई देखने को मिलेगी। और वहीं अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। 15 करोड़ 84 लाख का जो प्रॉफिट किया था कंपनी ने पिछले साल मार्च के क्वार्टर में, वो इस बार बढ़कर आपको 26 करोड़ का आता हुआ देखने को मिलेगा, जबकि कंपनी ने 34 लाख का डेफर टैक्स इस बार बुक में लिया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नंबर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आपको अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। और वहीं ईयर 2019-20 को आपको 2020-21 को कंपेयर करके दिखाऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल कंपनी ने जो इनकम की थी 900 करोड़ की, वो आपको यहाँ हल्की सी बढ़ती हुई 948 करोड़ की आती हुई देखने को मिलेगी। और टैक्सेस और सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद सीधे नेट प्रॉफिट की बात करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं 65 करोड़ की जो आय की थी ईयर 2019-20 में, वो बढ़कर आपको 78 करोड़ आती हुई देखने को मिल रही है, जबकि कंपनी ने 34 करोड़ का डेफर टैक्स भी लिया है। अदरवाइज़ जो आप देख सकते हैं कि आय डेफर टैक्स अगर इस बार बुक में ये लोग नहीं लेते तो 100 करोड़ की इनकम आपको देखने को मिल जाती। लेकिन खैर, डेफर टैक्स के बावजूद भी नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। जल्दी से मैं आपको एक बार EPS दिखा देता हूँ। क्वार्टरली EPS में आपको हल्की सी गिरावट दिखेगी, 1.67 रुपये से EPS घटकर 1.04 रुपये आप देख रहे हैं। और वहीं मार्च क्वार्टर पिछले 2020 से इस बार कंपेयर करूँगा 63 पैसे से EPS बढ़कर 1.04 रुपये हो गया है। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करूँ तो 2.60 रुपये से बढ़कर EPS इनका 3.11 रुपये हो गया। तो EPS के लिए ऐसे भी नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अब करंट चार्ट पर चलने से पहले एक बार चार्ट की हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। 6% की तेज़ी आज स्टॉक ने की है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 5 दिन के चार्ट पर आप देखेंगे तो 18.5% के गेन आपको दिखाई देंगे। वहीं आप 1 मंथ के चार्ट पर देखेंगे तो आपको 20% के गेन दिखाई देंगे। 6 महीने के चार्ट पर काफ़ी अच्छे जो है रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं, लगभग 76% तक के बंपर रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। ईयर टू डेट की बात करें तो 63% के रिटर्न आपको दिखाई देंगे। और वहीं 1 साल में आप देखेंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक आप इसको कह सकते हो 86% रिटर्न दे चुका है, यानी आपके अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 1.86 गुना कर चुका है।
तो देखिए सांगी का मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे आपको जो है ट्रेंड काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव दिखाई देगा, और पिछले 4 दिनों से लगातार एक स्टॉक इस दायरे में फंसा हुआ है, पर आज के दिन में 6% की तेज़ी के साथ कारोबार स्टॉक करते हुए देखने को मिला है। वही मैं आपको वीकली चार्ट की बात करूँगा तो वीकली चार्ट पर भी आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने जो ये बॉटम का पिछला टॉप था उस टॉप के पास यहाँ पहुँचते हुए देखने को मिल गया है। और वहीं अगर मैं आपको बताऊँ तो अगला टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 60 रुपीज़ का, जो कि ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता है। कल प्री मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देकर 60 से ऊपर खुलता हुआ देखने को स्टॉक इजीली मिल सकता है। और अगर इसमें कुछ बढ़त आप कल की डेट में आपको देखने को मिलती है तो आगे के टारगेट्स के जो है थोड़े ऊंचे आप देख सकते हैं, 72 रुपीज़ के आपको देखने को मिलते हैं। 60 के ऊपर सस्टेन करेगा कुछ देर के लिए, वॉल्यूम क्रिएट होगा, तो 72 के टारगेट आपको आने वाले 5-7 दिनों में, या में भी आप कह सकते हैं 1 से 1.5 हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद और अगर पीछे के चार्ट की बात करूँ तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ गया है, देख सकते हैं 150 के अप्रोक्सीमेटली जो इसका प्राइस ऑल टाइम हाई का 2018 में हुआ करता था उसके मुकाबले आज अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई देगा। और अगर मंथली चार्ट पे एक टारगेट की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 74 का बैठता है इस हर्डल को। जब ये स्टॉक इस हर्डल को देखिए, जब स्टॉक ब्रेक करेगा इस हर्डल को तब 74 तक के टारगेट जो है मंथली चार्ट पे आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो शॉर्ट में आपको बता दिया है सांगी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।